हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसएससी एमटीएस 5/8/2019 का जो पेपर है शिफ्ट वन, उसके अंदर इंग्लिश के जो मेन मेन जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर मैं जो पैराग्राफ होता है उसको सोल्व नहीं करूँगा। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के अंदर जो पहला पेपर है मैथ रीजनिंग, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। जो सेकंड पेपर होगा आपका, जिसके अंदर इंग्लिश और जो मैथ, इंग्लिश और जो जीएस है उसका वेटेज ज़्यादा है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से करना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्रूशल है, महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो 2019 का जो पेपर है शिफ्ट वन का, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। खालिस्तान भरने जो है, ये ब्लैंक्स है खालिस्तान, हमने चार में से एक जो उचित सही जो ऑप्शन है वो हमने चुनना है। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट, स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अपने टीचर के प्रति क्या प्रेज, प्रेज का मतलब होता है पहला ऑप्शन है प्रशंसा करना। तो दूसरा है अव, अव का मतलब होता है एक तरह से डर भी होता है, अदर भाव होना, यानी एक ऐसी फीलिंग होना जिसके अंदर रेस्पेक्ट है, मिक्स्ड है, डर भी है थोड़ा सा, ठीक है, एक या फिर सरप्राइज कह लो, आ थोड़ा सा डर भी है और रेस्पेक्ट भी है, उसको कहते हैं आओ, यानी डर होना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर भाव करना, और GUST ओगस्टो, गस्टो का मतलब होता है यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं हम, एंथुजियाज़म बोल सकते हैं, जोश बोल सकते हैं, ठीक है, उत्साह कह सकते हैं, यानी इसको मैं ग्ली भी बोल सकता हूँ, GLEE ग्ली, ग्लैड बोल सकता हूँ, प्रसन्नता, ठीक है। रेस्पेक्ट होता है आदर भाव, आओ का मतलब होता है फियर यानी कि डर, टेरर भी बोल सकते हैं, TERROR टेरर, ठीक है, डर। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना यानी कि अपलोड करना, APPLOUD अपलोड, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना, APPRECIATE एप्रिशिएट का मतलब होता प्रशंसा करना, अपलोड का मतलब होता प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायर का मतलब होता प्रशंसा करना, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के एक पे जो सही है वो नहीं, हमने चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। तो प्रेज के सिनानिम्स क्या हो सकते हैं, अपलोड हो सकता है, एडमायर हो सकता है, अप्रिशिएट हो सकता है, आओ का मतलब होता है डर यानी फियर यानी कि टेरर, ठीक है, रेस्पेक्ट होता है सम्मान, गस्टो, गस्टो का मतलब होता है ग्ली, प्रसन्नता यानी कि ग्लैड। तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर गस्टो, यानी द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट गस्टो ऑफ देयर टीचर्स, अपने टीचर्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साह में थे, उत्साह के अंदर है जो स्टूडेंट्स हैं। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसका गस्टो, गस्टो का मतलब होता है प्रसन्नता, ग्ली, ग्लैड, चीयर भी बोल सकते हैं, चीयर, हैप्पी, हैप्पी, GAY गे, ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर idiom पूछा गया है, इस 2019 के अंदर idioms, birds of the same feather, ऑप्शन मैंने इसके अंदर लिखे नहीं है अपना टाइम बचाने के लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। birds of the same feather, फीदर का मतलब होता है पंख, सेम का मतलब आपको पता है एक समान, यानी कि दो पक्षी जिनके पंख एक समान, इसका मतलब कहने का व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे है जो जिनका जो नेचर है, जिनका करेक्टर है, जिनकी इंटरेस्ट वो एक जैसे हैं, जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर चोर चोर मौसेरे भाई, क्या कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी पीपल विद द विद सिमिलर करेक्टर, पीपल विद सिमिलर करेक्टर और इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनका करेक्टर यानी कि इंटरेस्ट एक जैसा है उसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब होता है ये। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर हर मनी इज ओनली द मीनिंग टू एन एंड अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह इसका हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, ऑप्शन दे रखे हैं चार, मतलब फॉर हर, हर मतलब कोई भी प्रोनाउन है, ही सी कोई भी लगा लो, वो राधा है, गीता है, करुणा है, कुछ भी लगा लो, फॉर हर उसके लिए, मनी पैसा, इज ओनली केवल मात्र क्या है, मीन्स टू एन एंड,
मीन्स टू एन एंड का मतलब क्या होता है? मीन्स टू एन एंड का मतलब होता है समथिंग यू डू टू अचीव, समथिंग यू डू टू अचीव, यानी कि कोई ऐसा काम आप करते हो कुछ अचीव करने के लिए। जैसे मान लिया आपने आईटीआई कर ली, पॉलिटेक्निक कर ली, बीटेक कर ली, बीटेक करने के बाद किसी कंपनी में आप अपनी अप्रेंटिस लगवाते हो, ठीक है। अब आपका जो गोल है वो ये नहीं कि इस कंपनी में मैंने अप्रेंटिस ही करनी है, अप्रेंटिस के ज़रिए आप उस कंपनी के अंदर अपना एक रास्ता मिल जाएगा काम करने का अच्छी बढ़िया कंपनी के अंदर। तो सिर्फ वो अप्रेंटिस आपका क्या है, मीन्स टू एन एंड है, मीन्स टू एन एंड है, यानी कि समथिंग यू डू टू अचीव, यानी वो जो अप्रेंटिस है वो सिर्फ आप वहाँ पर अपना आगे के लिए भविष्य के लिए आपको रास्ता मिल जाए, वहाँ जगह मिल जाए, इसलिए कर रहे हो, उसको कहते हैं समथिंग मीन्स टू एन एंड। तो ऑप्शन देखते हैं, द मीन्स टू एन एंड, द मीन्स टू फॉर एंड नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। मीन्स टू एन एंड का मतलब समझो कि कोई ऐसा काम करना जो आप अचीव करने के लिए करते हो उसे कहते हैं मीन्स टू एन एंड। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स, एंटोनियम्स ढूंढने हमने, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड, उदास, डिस्ट्रेस भी कह सकते हो, डी ई एस टी आर ई डब्ल एस, डिस्ट्रेस, ठीक है। ग्लूम का मतलब उदास, और क्लाउडी, क्लाउडी आपको पता है, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है क्या, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, ठीक है, यानी कि शाइनिंग, एस एच आई एन आई एन जी, शाइनिंग कह सकता हूँ मैं इसको, फुल ऑफ लाइट कह सकता हूँ, फुल ऑफ लाइट। तो ग्लोमी का मतलब सैड, उदास हो सकता है, डार्क भी कहते हैं, डार्क अंधेरा, ठीक है, समझ गए ना, उदासी, यानी कि जीवन में क्या है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, उदासी उदासी है। डल, डल का मतलब होता है नीरस, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, तो यहाँ ग्लोमी का मतलब है डार्क यानी कि अंधेरा, और इसका एंटोनियम्स आ जाएगा ब्राइट यानी कि शाइनिंग यानी कि फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइट। पांचवा देखते हैं, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स, सिनोनियम्स ढूंढना है हमने। इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है, इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, विशाल यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसको मैं इंग्लिश में क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ जाइजेंटिक, जी आई जी ए एन टी आई सी, जाइजेंटिक का मतलब होता है विशाल। वास्ट, वी ए एस टी, वास्ट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। जैसे कंपनी, सरकार के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिनको कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, एम ई जी ए, मेगा का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, ठीक है। टाइटैनिक, टी आई टी ए एन आई सी, टाइटैनिक का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। तो इमेंस का मतलब आप समझ गए बहुत बड़ा। तो ऑप्शन देखते हैं, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो चीज़ महत्वपूर्ण है, इन लग गया तो यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है जिसकी। माइन्यूट का मतलब होता है, ठीक है, मिनट, ठीक है, और मैसिव, मैसिव का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। और सिनोनिम्स ढूंढना है, तो माइन्यूट होता है छोटा, मैसिव का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो एंटोनियम्स, सिनोनिम्स क्या जाएगा, मैसिव, एम ए डबल एस आई वी, मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, माइन्यूट हो गया छोटा, ये इसका क्या है, एंटोनियम्स है, ये इसका क्या है, एंटोनियम्स। माइन्यूट को मैं और क्या बोल सकता हूँ, माइक्रो बोल सकता हूँ, जो माइक्रो है तो इसका माइक्रो भी हो सकता है। तो डल का मतलब नीरस, तो ऑप्शन आ जाएगा मैसिव, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस देख है इसका, इसका सब्सटीट्यूट हमने फाइंड आउट करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं इसका इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी जो एक ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्या उसको स्पाइन कहा जाता है, क्या उसको स्कल खोपड़ी कहा जाता है, क्या स्केल्टन कंकाल तंत्र कहा जाता है, क्या स्किन कहा जाता है। तो बहुत आसान है, इसका आ जाएगा स्केल्टन, क्या जाएगा, स्केल्टन। ये 2019 का 5/8/8 महीने का शिफ्ट ए का जो पेपर है उसी से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, स्केल्टन। नेक्स्ट है हमारा, एन एरिया एक ऐसा एरिया ऑफ ग्रासलैंड्स वेयर एनिमल्स ग्रेज, जहाँ पर एक ग्रासलैंड्स यानी कि घास की भूमि, ठीक है, जहाँ पर ऐसे है, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रास है, घास है, जहाँ पर एनिमल्स ग्रेज करते हैं, क्या उन्हें फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल कहा जाता है, क्या पार्क कहा जाता है, क्या गार्डन कहा जाता है, मिडोस यानी कि चरागाह, चरागाह कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, चरागाह। तो ऑप्शन आ जाएगा मिडोज। सेलेक्ट द इडियम और फ्रेज, अगला आठवां वर्ड है इडियम, कैट्स वियस्कर्स, कैट वियस्कर का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट द इडियम और फ्रेज, कैट्स वियस्कर्स, वियस्कर वैसे होता है दाढ़ी। इसके ऑप्शन देखते हैं, ए वेरी इजी मैटर, कोई भी मैटर है बहुत ज़्यादा ईजी है,
या टू बी हाईली इम्प्रेसिव या टू बी वेरी डिटरमिन्ड, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय और रिजोल्व होना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ समझने में मुश्किल होना। तो कैट्स वी एस्कर्स का मतलब होता है टू बी वेरी हाईली इम्प्रेसिव, टू बी वेरी हाईली इम्प्रेसिव यानी कि बहुत ही बेहतर आकर्षक होना, यानी टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होना, हाईली इम्प्रेसिव होना। जैसे मैं एक ऑप्शन देता हूँ, जैसे एक क्या नाम है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई रियली लाइक दैट कार, मतलब वो जो कार है मुझे वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्या है, पसंद है। इट इज़ द कैट्स व्हिस्कर्स, इसको बोल सकते हैं इट इज़ द कैट्स व्हिस्कर्स, यानी कि ये जो है ना गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। तो समझ गए आप एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई रियली लाइक दैट कार कह सकते हो, बाइक कह सकते हो, ठीक है, यानी कि ये कार या बाइक मुझे क्या है, बहुत ही ज़्यादा वास्तव में पसंद है, और बोल सकते हो इट इज़, यानी कि सेम इट इज़ द कैट्स व्हिस्कर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ वगैरह थे वो मैंने इसके अंदर नहीं लिखे। आई डैश वेरी बिजी लेटली, तो लेटली का जो मतलब होता है वो होता है यानी कि एक तरह से हाल ही तक, यानी कि हाल तक, रिसेंटली बोल सकते हो, लेटली को बोल सकते हैं RECENTLY रिसेंटली, यानी कि हाल तक, हाल तक। तो आई खालिस्तान वेरी बिजी लेटली, तो वुड बी, विल बी, हैव बीन, शुड बी, तो आई इसके साथ आ जाएगा, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा क्या था, मतलब बिजी था, तो इसके अंदर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेटली के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एज हैव प्लस के साथ थर्ड फॉर्म, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बीन है ये बी की जो फॉर्म है, इज एम आर पहली फॉर्म है, वाज वर दूसरी फॉर्म है, और बीन कौन सी है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो आ जाएगा इसके अंदर हैव बीन। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।